अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं दोपहर के खाने के लिए जो है वो कबाब तलिए थे, क्योंकि रात को जो है वो बाहर से खाना था, तो मैं सोचा दोपहर में हल्का रखें, कबाब खा लिए थे इसलिए। फिर कुछ सामान आया था नून से, मैंने बीच में येलो वेंसडे के नाम से सेल लगी थी नून पे, तो उनके पास सामान बहुत अच्छा था, खिलौने वगैरह, तो मैंने बेटे के लिए जो है वो खिलौने वगैरह वहाँ से मंगा लिए थे। तो रोब वगैरह इस तरह की चीज़, या फिर ये ब्रश, हेयर ब्रश 9 रियाल का मुझे मिला था, और तो इस तरह की चीज़ें मैं मंगानी थी। दूसरी चीज़ जो मेरी फेवरेट जो मुझे लगी थी वो ये थी, म्यूज़िकल वॉकर था बच्चे का, जो जिसमें आगे पूरी एक्टिविटीज़ हैं, एक पियानो है और फिज़िकल मोटर स्किल्स के लिए उसके एक्टिविटीज़ हैं, और वॉकर का वॉकर है वो बिकॉज़ ऑफ वी वर वॉकिंग की एज में, एंड दिस वाज रियली गुड। दिस वाज फॉर 54 रियाल्स, और ये बहुत स्टर्डी था बिकॉज़ इसके जो पहिए थे नीचे के उसमें रबर लगा होता ताकि बच्चा फिसले नहीं एकदम से, तो ये बहुत ही अच्छा था। ये सेंटर पॉइंट पे मैंने 200 का देखा था। फिर उसके बाद हम लोग नेस्टो चले गए थे, कुछ महीने का सामान वगैरह आना था, तो नेस्टो पे भी सेल लगी हुई है आजकल, 10, 20, 30 के निकालते हैं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की उन्होंने रखी हुई होती हैं, तो नेस्टो पे अच्छी खासी सेल लगी हुई थी, तो महीने वगैरह का सामान लेना था। बाकी फिर बस फिर मैं काफ़ी अरसे से सोची थी वो लेने का, इलेक्ट्रिक का जिसमें रोटी बनाते हैं, बट देन आई वॉज इन लिम्बो के लूँ के ना लूँ। खैर फिर भी हम लोग ऊपर गए देखने के लिए कि कितने का है, क्या है भी इस काबिल के लिया जाए या नहीं। ये है, मुझे बताइएगा अगर किसी ने ये लिया है और यूज़ किया है कि किस तरह का है, ये अच्छा है या इज़ इट वर्थ इट और नॉट। बाकी फिर बस हम लोग नीचे आए वापस, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी बस वो कुछ ली हम लोगों ने, और बस फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। फिर हम लोग खाना खाने चले गए यहाँ से निकल के, फिर वहाँ से हम लोग वापसी पे जो है वो बिकॉज आजकल बारिशें हो रही हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग समंदर पे बैठ गए थे जाके। ये हाफ मून बीच से पहले उन्होंने जो है इस तरह का बनाया हुआ है जहाँ पे पूरे कैफेज़ ही कैफेज़ हैं, और उन्होंने जो तख्त वग़ैरह डाले हुए और समंदर के पास यानी एकदम सी शोर के ऊपर उन्होंने जो है वो डाले हुए तख्त, तो आप वहाँ पे बैठ के आराम से और अपनी चाय वगैरह एंजॉय करें और मौसम एंजॉय करें, तो बहुत ही सूदिंग था ये। आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, आगे पे मैं और डालूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू।